सेंटर में आ जाता हूँ मैं आप दोनों के। तो थ्री डेक में देखो यार क्या बात है, इतने सही ना आदमी है आप, भी अपना दिमाग ना चैनल दे। अच्छा लंदन वाली जायदादें बिकेंगी तो फिर फर्क पड़ेगा उन्हें। सर क्या हाल है? अगे ना फर्क। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सिसरा। नाजरीन ओए ऐसी लंदन की गए हैं इलाज वास्ते, पिछों साड़ियां जदादा बेच रहे हो। मैं करूँ आके जदादा दुबई में जाके सारे रोड। जी हाँ नाजरीन, मियां नवाज शरीफ साहब की जदादे बेचने का फैसला कर दिया है नैब ने। रोज यही फैसला सुनाया जाता है। मियां साहब तो बैठे हैं लंदन में और उनकी जायदादें यहाँ पर बेच रहे हैं, क्या नैब को ऐसा करना चाहिए कि उनकी जायदादों को फरोख्त कर देना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? ये तो आवाम बताएगी, वो तो इलाज के लिए गए हैं, अब इलाज उनका बड़ा लंबा हो गया वापस नहीं आ रहे, तो नैब ने ये सोचा कि इनकी जायदादें यहाँ पर बेच दें। क्या तुम्हें लगता है सही में ऐसा कोई इंसान कर सकता है? भैया ये क्यों बेच रहे हैं जायदादें हमें तो पता नहीं है, आवाम बताएगी, आइए मेरे साथ रहिए। नीलामी हो रही है जदाद, सही कह रहे ने, चोर ने यही होना चाहिए और की नहीं सही है। नहीं तो नैब का फैसला सही है, पीछे ए वन है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी चोरी करके नाटे गए सही ना, चोर होने इधर ही रहते हो। वो तो लंदन गए में इलाज के लिए जी। और उनकी जदादे पीछे से बेची जा रही है, क्या ये सही अमल है गलत है, क्या कहते हैं आप? देखिए जी जब वो सामने हो जब बिकनी चाहिए ना, पता लगे कि उनको भी लंदन आराम हो रही है, अगर आप पीछे से जायदाद बेच देंगे फिर वो उनकी बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? यार क्या बात है, इतने सही ना आदमी है आप, मेहरबानी रहा आप। क्या बात है, तुम अपना दिमाग ना चैनल दे। अच्छा अब वो तो लंदन है बेचारे इलाज करवाने के लिए गए हुए और यहाँ पर उनकी जायदादें फरोख्त की जा रही है, क्या कहते हैं आप इस पे? देख लें आपको लगता अगर बिक सकती हैं तो वो बेच लेंगे, मुझे लगता तो नहीं है वैसे बिक सकती हैं ऐसे। ये कौन? मुझे इलाज करा रहे ने, तो जदाद पीछे मकान बेच रहे हो तुसी। जाहिरी गल है इन्होंने अप्रूवल दी थी तो गए हो केड़े कल्ले उठ के घर था नहीं तो नहीं चले गए। मियां साहब की ये जदादे बेचने का फैसला ठीक किया उन्होंने? नहीं जी ठीक कितों कीता है, ये नहीं बिकनी है। महंगिया नहीं है बिकनिया ही नहीं, ये लालो ही नहीं बिकनिया, ये लाल वे टेले जड़ा लाल है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आने दो कस्टमर को, थोड़ा सा शॉप अकेली है ना, अकेली डर रही है शॉप। वो लंदन इलाज के लिए बैठे हुए हैं, पीछे से उनके घर बार बिक रहे हैं, मतलब जिम्मे तुम दुकान पे आए हो पिछले घर बिक रहे हैं, अजीब जी अब गल है ना कि बंदा ब्याह से गया है पिछों मोटरसाइकिल बेच, माशाल्लाह वो सारा कुछ तो ले गए हैं बाहर, अब उनका घर बिक ही जाना चाहिए, पाकिस्तान का सारा कुछ तो वो ले गए। अच्छा ठीक है, तो अब उनका घर बिकता भी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लंदन वाली जायदादें बिकेंगी तो फिर फर्क पड़ेगा उन्हें। जदाद नैब जो बेच रही है वो सही अमल कर रही है ये गलत? गलत, बिल्कुल गलत। इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। किलो लग रहे हैं एकदम, नहीं मरिया जाए यार, ना लेना करो ना करो। नाम क्या आपका? मैं कमर अब्बास। कमर अब्बास माशाल्लाह, कमर कस लो, कमर अब्बास फिर ना कमर। जो पैसा वो यहाँ से बाहर ले गए हैं मुल्क से, उससे कारोबार तबाह कर दिए उन्होंने, बिल्कुल सही है। जो चीज़ पहले हमें आसानी से अवेलेबल थी, आज उसके लिए जो है ना बहुत तगड़ो करनी पड़ती। सर क्या कहते हैं, मियां साहब की जायदादें बेचने का फैसला कर दिया? कुछ भी नहीं, इनकी डील हुई है, सब ड्रामा है ये। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ऑन द बैक साइड पे ये इनकी डील हो चुकी है, मियां साहब ने वापस आना है, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना है। अगर ज्यादा तो बेच भी देंगे तो क्या होगा, दोबारा आएंगे वो फिर ले लेंगे वापसी, किसको बेचेंगे जिसके जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो ले सकता लेगा कौन? मैं तो हैरान है कौन लेगा, कौन लेगा? सही गल है, तुम्हारे को तो किराए का मकान नहीं लिया जाता, जदाद को लेगा कितना मिलना सी रुपए। पीछे से नैब ने ये फैसला कर दिया है कि इनकी जदादें फरोख्त कर दी जाए। देखिए जी ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि देखिए ये सियासी मामला है, इसमें हकीकत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्या राइट है क्या सही है, जो भी इक्तदार में होता है उसने दूसरे को गलत साबित करना होता है, करना होता अब कल कला को वो ऊपर आ गए तो उन्होंने इनको गलत साबित कर लिया। जी मैं जुती बेच रहे नाल कहना सारे जुती खराब देती नैब ने ये फैसला दे दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जदादें फरोख्त कर दी जाए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत फैसला, बहुत गलत फैसला है। तो क्या पैगाम देंगे नैब को आप? नैब को पैगाम देंगे कि वो उनके साथ बुरा कर रहे हैं आप, बुरा कर रहे हैं, उनकी चीजें नहीं बेचनी चाहिए, नहीं बेचनी चाहिए बिल्कुल। और अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल, तेरे चेहरे पर तबस्सुम है दिखावे का मगर।
मेरे चेहरे पर तबस्सुम है दिखावे का, मगर मेरी नाखों में तेरी यादों के दिए जलते हैं। तुहानू कहता जाए भी जाती उमरा तुहानू दिता जा रहा है, तो तुसी की बोली लाओगे? मुफ्त दे देना। सच बोलो, सच बोलो। ने आपको जाइए थोड़ा सा हौसला रखने, मियां साहब वापस इनके सामने बेच दे, अगर बेचनी भी है तो। हां, ताकि उन्होंने पता लगे रेट की लग रहा है। रेट क्या लग रहा है, अब चोरी चोरी मैं अपने खाते में डालूंगा तो फायदा तो कोई नहीं। शादी की तैयारियां हो रही है जी? ये मेरा भतीजा है, उसकी शादी है। उसकी शादी हो रही है जी? जी। टेढ़े अफसोस ना क्यों कह रहे, ताड़ी नहीं हुई? मना कर रहे हैं लेकिन नहीं बाज आ रहे हैं। नैब ने ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब की जदादे फरोख कर दें, क्या कहते हैं आप, सही अमल है? देखें जी, ये तो कानूनी अमल है, अगर तो कानून के मुताबिक बनता है तो वो करना चाहिए उनको। बिल्कुल सही बात है, अगर कानून के मुताबिक, अगर कानून के मुताबिक बनता है, अगर उनकी उनकी वो करप्शन वगैरह साबित हुई है, हाँ जी, फिर तो इनको बनता है ये करें। कितने बच्चे हो गए आपके? मेरे दो बच्चे हैं। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र है, क्यों ना करना, क्योंकि अंदर भी दो ही सन नवाज शरीफ से होते हैं, लंदन सेटल नहीं। सर क्या हाल है? अगे ना फर्क, वो बेचारे इलाज करवाने के लिए वहाँ गए, पीछे से उनकी जदादें बेची जा रही हैं। केड़ा इलाज होते? ये देखना है, ये दसना है तुसी इलाज केड़ा होते, तांते अगे ना फर्क है, तो उन्हें पूछना पैना के है कि नहीं। जे हो जा असी इलाज करा रहे हो, हो जाओ भी करा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आप? असल अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हो, आप ठीक हो? नहीं नहीं माशाल्लाह, आप ठीक हो, लेकिन पहले नहीं नहीं दाड़े जी मसाने, आप ठीक हो? वैगन नहीं वजह से पाने, टांगा वजह से, टांगा वजह। अच्छा, बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल दवाई खा रहे हैं लेकिन हुन पहले ना फर्क पै गया। जदादे फरोख्त कर दी जाए, क्यों ऐसा ऐलान उन्होंने किया है? मियां साहब तो लंदन इलाज के लिए गए हुए हैं। तो सर वो लंदन, इधर क्या हॉस्पिटल खत्म हो गए, हर चीज़ है पाकिस्तान, अगर गरीब बंदे के लिए उसके लिए भी अब सब कुछ होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये बात नहीं, अगर माड़ा बंदे यहाँ इलाज करा सकता है तो वो क्यों नहीं करा सकता? क्या फैसला, मतलब नैब सही कर रही है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कर रही है फैसला। आज कुछ करेंगे तो कल को बेहतर होएगा। हाय हाय हाय, बिल्कुल सही बात है। आज कुछ करेंगे तो कल को बेहतर होएगा। बिल्कुल सही गल, आज कुछ करेंगे तो कल बेहतर होएगा। अरे भैया आगे बढ़ ले। तो आपका कैमरामैन नहीं हंसता क्या? इसको आपने एक्टिव किया होता है कि यार आपने हंसना नहीं है, आपने स्मेल नहीं देनी। सर ये कैमरामैन इजी हो जाओ, ये घर ना 24 घंटे फोदगी रहती है। वो तो इलाज के लिए गए हुए हैं और यहाँ पर जायदादें फरोख्त हो रही हैं, क्या कहते हैं? सर इस चीज़ का नवाज शरीफ को बेहतर पता होना चाहिए, हुकूमत को बेहतर पता होना चाहिए कि जदादे क्यों बिकी जा रही हैं उसकी। बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं? आपका नाम? इब्तिसाम। इब्तिसाम, अच्छा क्या जी? इब्तिसाम। इब्तिसाम, सेंटर में आ जाता मैं आप दोनों के। आपके क्यों फरोख्त हो रही है ज्यादा? नैब बेच रही है ज्यादा, वो फिर सही होएगा ना, कुछ ना कुछ से कर दे उनके फिर। क्या कहते हैं जी आप, बगियाड़ साहब? नैब ने सही फैसला किया, बिल्कुल ओके फैसला किया, ओके फैसला किया है कि उनकी जदादों की सेल लगी। अच्छी बात, तो आप भी कोई बीच में से एक आध घर खरीदेंगे या नहीं? सर मैंने क्यों खरीदना, हम उसकी खरीद सकते जाती हूँ। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके तो ही तो मैंने कान नहीं पारते यकीन करो। क्योंकि ससुरा आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।